मार्गदर्शन मंडल तो बीजेपी का है, कांग्रेस ने बनाया नहीं अभी। और हम तो मार्गदर्शक मंडल में, अगर बिना मार्गदर्शक मंडल की बात करें तो हम लोग अपना काम करते हैं। जो नई पीढ़ी है, यूथ कांग्रेस, NHY, उनको हम लोग अभी मैंने वो उसका मेरे पास था, मैं बाहर दिया, तो मैं तो NHY और यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के बाद जो भी संगठन हमारे हैं सेंट्रल, उनको हम तो मजबूत करने की बात करते हैं। और युवा पीढ़ी आनी चाहिए, कौन कहता नहीं आनी चाहिए, हम भी तो युवा थे। जब मैं 28-29 साल में मैं पार्लियामेंट बन सकता हूँ, 30 साल में लगभग 30 साल हुए होंगे मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उपमंत्री इंदिरा के साथ में, तो मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, कौन समझ सकता है। मैं खुद युवा था और मैं ही नहीं था, जितने भी आज कंट्री में कांग्रेस के बने हैं, PC प्रेसिडेंट बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, AIC महामंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने, अधिकांश लोग थे जो मेरे साथ में युवा थे, 28-29-30-32 साल के थे उस वक्त में, 40 साल अधिक हो गया। प्रदेश में भी जो सरकार है वो उस पर आरोप लग रहा है कि ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है प्रदेश में। देखिए, हमने तो कोशिश की थी, मुख्यमंत्री और जो इनके जितने साथी हैं मंत्री सरकार, कि पहला काम आप करें गुड गवर्नेंस का करें, क्योंकि अभी मैंने कहा तो मेरे को बुरा भी लगा, पर मैंने कहा था इसलिए कि ये सर्कस की तरह है, मतलब जो खबरें आ रही है आपस के अंदर, विधायक क्या बोल रहे हैं मंत्रियों के बारे में, मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं होकर के पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये मेरा इंटरेस्ट और कांग्रेस का मांग ये रहे, हम विपक्ष में हैं, ये हमारा अधिकार बनता है कहने का कि भाई आप लोग सब मिलकर के अच्छा काम करें, गुड गवर्नेंस दें, अच्छा शासन दें, तो पब्लिक का भला होगा। आपको अगर सत्ता सौंपी है, हालांकि बहुत झूठ बोल करके, झूठे आरोप लगा करके, गलतफहमी पैदा करके, 5 लाख हिंदू को, 50 लाख मुसलमान को क्या क्या नहीं बोला गया है प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्रियों के द्वारा, और सरकार बन गई इन लोगों की, बन गई है तो कम से कम अच्छा काम करे, हमारी शुभकामनाएं है। और हमारी स्कीमें जो है वो शानदार है पूरे देश भर के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी राज्य में जाएंगे, अभी महाराष्ट्र में था, हरियाणा में हम लोग गए, दिल्ली में बैठे हैं तो सब लोग मिलते हैं, देश भर के सब लोग याद करते हैं, नंबर वन हमारी योजनाओं को, नंबर दो सबको इस बार का एहसास है कि जो राजस्थान में स्कीमें बनी हैं, योजना बनी है, वो इतिहास बन गया देश के अंदर, हर राज्य सरकार है उसको अपनाने का प्रयास कर रही है, कुछ दो बना अपना दिए, कुछ चार अपना दिए, अलग बात है, पर हर सरकार के मैनिफेस्टो में हमारी योजना आ रही है। तो हमें गर्व है कि राजस्थान में योजना बनाई सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार थी, आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं, तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि और अच्छी योजना देनी चाहिए, पर आप पुरानी योजनाओं को अगर ख़त्म करेंगे, अब मेडिकल का है, इलाज फ्री होना किसे कहते हैं, 25 लाख तक 10 लाख कर दिया, 25 लाख तक कितने लोग आते हैं, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। 25 लाख तक सब लोग नहीं आते थे, पर सिक्योरिटी थी हर परिवार को, अगर जरूरत पड़ गई हमें 10-12-15 लाख की भी, तो हमारी इलाज फ्री हो जाएगा, ये सिक्योरिटी थी खाली, बाकी तो कौन आता है 10-15-20-25 लाख तक आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, तो कम भी आते हैं तो उनका भला होता, सिक्योरिटी पूरे राजस्थान वासियों में रहती, क्योंकि स्कीम ये हमारी है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं है, जैसे कि लोग तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो योजनाएँ आपकी जो भारत सरकार की है वो योजना एक सीमित लोगों तक की है, जो सर्वे हुआ था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उन तक सीमित है, हमारी योजना पूरे प्रदेश के लिए थी। ये बहुत बड़ा राजनीति का फर्क है, उसका फ़ायदा कितने को मिला, जिनको मिला वो तो आज भी याद करते हैं, किसे कहते हैं हार का ऑपरेशन फ्री होना, घुटना बदलवा रहे हैं लोग, कोई इलाज करवा लो सब फ्री हो रहा था, अब उस स्कीम को कमज़ोर कर दिया गया, तकलीफ आ रहे लोग। तो मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से, अभी तो साल भर उन्हें आया, उनको दिसंबर में हो जाएगा, लगभग 10 महीने हो चुके हैं, मैं चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह है, परंतु सब लोग कम से कम इस बात के लिए हम लोग एकजुट रहे हैं कि कैसे सरकार काम अच्छा करे,
चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, बिजली में, पानी में, सड़कों में, सब स्कीमें जो हमारी है या सोशल सिक्योरिटी की है, अन्नपूर्णा किट था, अब गरीबों को इतना लाभ मिला, वो किट में लगी हुई थी फोटो, मान लो मैं मुख्यमंत्री था, वो हटा दो उसको, अब भजनला की फोटो लग जाए, स्कीमों बंद क्यों किया इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ स्कीमों बंद क्यों किया। तो ऐसी कई बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो, अब सड़कें आज के लोग आए थे, सड़कें सेंक्शन हो गई, वर्क ऑर्डर मिल गए, उनको बंद कर दिया, ये क्या दुख है। तो ये जो सरकार का रवैया ठीक नहीं है, कौन गाइड कर रहा मुख्यमंत्री जी को मुझे नहीं मालूम है, पर मैं चाहूँगा कि ये सड़कों का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी तो सड़कों की रिपेयर भी ज़्यादा मांगती सड़कें, वो बंद करने का दुख है। जो सड़कें बन रही थी हमारे वक्त में उनको बंद कर दिया गया, आज ही लोग अभी शिकायत कर रहे थे। तो ये जो है काम विकास के रुकना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये सफल हो, लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए देश विदेश से, हम सबको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि इतने दौरे हो गए हैं विदेशों के भी और देश के भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आए, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि राजस्थान में रोजगार मिलेगा लोगों को। रिफाइनरी है, अब उसका दिसंबर तक वादा किया हुआ था, जब मैं गया वहाँ विजिट करने के लिए तो मुझसे चेयरमैन HPCL और सब ने वादा किया था हम दिसंबर 24 तक लेके आ जाएंगे, दिसंबर आ रहा है, पता नहीं वो कब तक पूरा होगा। रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है, राजस्थान में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई है तो रिफाइनरी का है, जो उस वक्त तो 45,000 के लगभग करोड़ का था, 11,000 करोड़ का, इन्होंने डिले कर दिया तो करीब 60-70,000 की कॉस्ट हो गई, पर वो पूरा तो हो। पेट्रोकेमिकल्स है, अब उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, कैसे कैसे उद्योग लगेंगे। अब नौजवान हैं, उनको गाइड करना पड़ता है कि भाई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जब पूरा हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, तो उसमें आप ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने की बात है, वह धीमी गति उसकी, तमाम काम मैं समझता हूँ कि सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी तो देखो साल भर बनाया, साल भर से ही बोलते जा रहे जिले हम लोग वापस चेंज कर देंगे, बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, साल भर से बोलते आ रहे हैं ये लोग, जो आपका ये क्या दिया उन्होंने इनको जिले के अलावा, अभी बात बार हो रही थी बाकी जो योजनाएं हैं, नगर निगम में बाहर है उनको हम वापस पुराना बना देंगे। कुछ भी करना हो सरकार जो नहीं आती है उसकी अपनी नीति होती है, वो अपना काम करे, अगर ढंग से नहीं हो तो हम आलोचना कर देंगे। हम लोग फैसला क्यों नहीं कर रहे, एक साल हो गया ना तो ये वार्ड बदल पाए हैं ना जिले को फैसला कर पाए हैं, कन्फ्यूजन में क्या वहाँ के जो अधिकारी पोस्ट हुए हैं वो काम नहीं करते हैं, पता नहीं जहाँ मैं कलेक्टर हूँ या SP हूँ या अधिकारी लगा हूँ, तहसीलदार SDO जो भी लगे हैं, ADM, वो सोचते पता नहीं ये जिला रहेगा नहीं रहेगा हमारे, तो काम उस ढंग से नहीं कर पाए, नए जिलों में तो ज़्यादा जरूरत है मजबूती से काम करने की। इस तरीके से उस तस्कर का मामला आपने अभी जिक्र किया है, लोग इन बातों को आम जनता तक, हम लोग मार्केटिंग नहीं करते काम करते हैं, ये लोग खाली मार्केटिंग करते हैं काम नहीं करते। अब आप बताइए पूरे देश के अंदर मैंने कानून बना लिया, अनुदान देने का मैंने शुरुआत मैंने करी देश के अंदर, अब पहले 6 महीने 9 महीने 12 महीने का अनुदान मिलने लगे गायों को, अपंग गायों को भी, गौशालों को भी, पूरे मुल्क में जो हमने काम किया गौशाला के लिए वो किसी ने नहीं किया है। और मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कोई बात करे तो ये तो उनकी पार्टी का एजेंडा भी है, तो ये गो सेवा की बात तो करते हैं, असली सेवा किसने करी। कांग्रेस सरकार ने जो गौशाला का अनुदान, मैंने जब मैं बात करता हूँ मैं 10-11 की कर रहा हूँ, मैं 2010-11 में पहली बार या 11-12 में किया होगा, पहली बार हमने गौशालाओं को अनुदान देना शुरू किया, विभाग बना दिया, बताइए आप
ये स्थिति है। घोषणा का मैंने बनाया, पहले डायरेक्टर बनाया मैंने, वसुंधरी आई तो उनका नाम बदल के लिख दिया विभाग, कोई बात नहीं, थोड़ा और मजबूती मिल गई। अब उसके बाद हुआ क्या है, ये जितनी उनके कल्याण की बातें होनी चाहिए तो हम कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं, पर मार्केटिंग वो लोग करते हैं और लोग समझते हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं, सच बोल रहे होंगे, अब समझ जाएंगे लोग। आज गाँव गाँव में चले जाओ, कहीं पूरे राजस्थान के हर गाँव में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, लोग पश्चाताप करें कि सरकार चली गई, जो मिलना आता है ये बात करता है। उपचुनाव में तो हम दो जगह जाके आए हैं, भी दोसा में और आप मालूम ही है बुनियारा के अंदर देवली में अच्छी मीटिंग हुई है। अब आगे देखो और भी कहीं जा सकते हैं, अभी तो महाराष्ट्र में भी हम लोग लगे हुए काम में, तो मौका मिलेगा मीटिंग जो तो हम आएंगे, फिर आएंगे तो देखते हैं कि परिणाम। तो 18 को चुनाव है, 13 को चुनाव है ना, तो परिणाम आएंगे हम तो, हमें लगता है कि जो मेहनत की है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, समय रहते हुए इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बुलाया प्रदेश कांग्रेस ने, अध्यक्ष जी ने, दूतासा जी ने, समय रहते हुए उन सबको आगाह किया, मॉनिटरिंग करी पूरे सभी सीटों पर, हम सब उनके साथ में हैं, फिर हमारे साथ मीटिंग भी कराई गई, तो सब ने मिल करके मैं समझता हूँ जो माहौल बनाया है अब उसका लाभ मिलेगा और हम लोग जीत के आएंगे। वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो आजकल कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष केवल गमछा हिलाते तो उसे चुनाव नहीं जीता जाता। मार्गदर्शन मंडल तो बीजेपी का है, देखो कांग्रेस ने बनाया नहीं अभी, और हम तो मार्गदर्शक मंडल में, अगर बिना मार्गदर्शक मंडल की बात करें तो हम लोग अपना काम करते हैं, जो नई पीढ़ी है यूथ कांग्रेस NHY उनको हम लोग, अभी मैंने वो स्कार्फ मेरे पास था, मैं बाहर दिया, तो मैं तो NHY और यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस सेवा जो भी संगठन हमारे हैं फ्रंटल, उनको हम तो मजबूत करने की बात करते हैं। और युवा पीढ़ी आनी चाहिए, कौन कहता नहीं आनी चाहिए, हम भी तो युवा थे जब मैं 28-29 साल में मैं पार्लियामेंट बन सकता हूँ, 30 साल में लगभग 30 साल हुए होंगे मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उपमंत्री इंदिरा के साथ में, तो मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, कौन समझ सकता, मैं खुद युवा था और मैं ही नहीं था, जितने भी आज कंट्री में कांग्रेस के बने हैं, PC प्रेसिडेंट बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, AIC महामंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने, अधिकांश लोग वो थे जो मेरे साथ में युवा थे, 28-29-30-32 साल के थे उस वक्त में, आज 40 साल अधिक हो गया, हम चाहते हैं युवा आए आगे बढ़ाएं, हम लोग आगे बढ़ाएंगे उनको। वो जो सबके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब NHC युद्ध कांग्रेस लोग थे, उस संघर्ष किया उस वक्त में सरकार नहीं थी हमारी, चली गई थी एक बार, तब संघर्ष किया उसका, सबको अवसर मिला काम करने का, अब सरकार हमारी केंद्र में नहीं है मान लो, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। जब आप जम के काम करो, संघर्ष करो, समस्याएं पब्लिक की जो है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपके रेप्स हो रहे हैं महिलाओं पे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे हैं, हम विपक्ष में तो विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, वो निभा भी रहे हैं हम लोग पूरे देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि यही काम है जो हम सबको मिलकर करना चाहिए विपक्ष में रहते हुए, और जब मौका आएगा तो पब्लिक खुद कह देगी हमारा बेस्ट उम्मीदवार हमारा है, ये बनने का तरीका ही होता है, पब्लिक का आम लोगों का विश्वास जम जाता है वर्कर्स पर, बात फैल जाती है ये बेस्ट रहेगा हमारे MLA MP का उम्मीदवार, तब पार्टी भी टिकट देती है उन लोगों को, आगे बढ़ाती है, वो काम भी नहीं करें हम लोग तो कैसे काम चलें।